गाइस, विराट कोहली ना एक स्पोर्ट्समैन नहीं है, विराट कोहली एक इमोशन है। ऐसा इमोशन जो 90s और अर्ली 2000s में सचिन हुआ करता था, अगर आपको याद होगा। तो जब इसने अपनी सेंचुरी मारी ना अभी कुछ हफ्ते पहले, तो इससे ज्यादा खुशी हम सबको ही, हमको लगा हमने सेंचुरी मारी है। लेकिन अगर ये लवी डवी पार्ट हटा के आप इसको और डीप डाइव करोगे, तो आप ये देखोगे दैट ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अस्ट्यूट बिजनेसमैन। तो खेलने से जो कमाता है उससे कहीं ज्यादा एंडोर्समेंट्स में कमाता है। खुद का ब्रांड बनाया है इसने 1-8 का, उसके एनर्जी ड्रिंक्स आती है, उसके गार्मेंट्स आते हैं, उसने अपने नाम के रेस्टोरेंट चेन्स खोले हैं, एक एक इंस्टाग्राम पोस्ट के करोड़ों रुपए लेता है। पर इतने पैसे का करें क्या? तो ये भाई के शौक भी हमारे जैसे हैं। ये भाई को घड़ियों का बहुत शौक है, फर्क बस इतना है कि हम लोग बजट ऑप्शंस, कूपन डिस्काउंट ये सब भी अपनी जिंदगी काटते रहते हैं। ये भाई सीधा हार्ड हिटिंग करता है रोलेक्स से पैटेक फिलिप ऑटोमास पीके पे, राइट। तो आज मैं आपको विराट कोहली का पूरा वॉच कलेक्शन दिखाऊंगा, 20 वॉचेस वी आर गोइंग टू कवर अलॉन्ग विद द इंस्टेंसेस वेयर ही हैज वॉन देम, प्लस उसकी करंट मार्केट वैल्यू कितनी है, पूरा हिसाब किताब आज डिस्कस करेंगे एंड टू एंड। बट वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले कस्टमरी क्विक रिस्वॉच चेक, हैवी हिटिंग वॉचेस डिस्कस करनी है आज हमें। तो मैंने भी अपना हैवी हिटर उतारा है मार्केट में, which is the Casio F91W, the most legendary watch ever. ये chiller brand है ना, Rolex, Patek Philippe, Audemars, PA को तो चाय पे निपटा देता है ये। आप पूछते हो तो मैं बता देता हूँ। गाइस, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में बात करेंगे फ्रॉम सस्ती टू महंगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लुमिनोर पैनेराई 1950 मॉडल। ये रईसों की जी शॉक टाइप की है, काफी स्टर्डी, काफी हिसाब किताब वाली बल्कि घड़ी है। और ये विराट कोहली सस्ती घड़ी तब पहनता था जब इसे नया नया स्टार्ट किया था, 2012-13 की बात है। आप देख सकते हैं इतनी दाढ़ी वगैरह भी नहीं रखता था। तो दिस इज, यू कैन सी ही इज वेयरिंग इट। इट्स अ ग्रेट वॉच, ग्रेट स्टार्टर वॉच टू हैव फ्रॉम समवन फ्रॉम द लुमिनोर पैनेराई फैमिली। करंट मार्केट वैल्यू इज 742,960। नेक्स्ट अब आ जाते हैं रोलेक्स पे। इसकी सबसे सस्ती रोलेक्स है रोलेक्स डे जस्ट रेफरेंस 126234। दिस इज स्टेनलेस स्टील मॉडल विद जुबली ब्रेसलेट एंड अ फ्लुइटेड बेजल। आप देख सकते हैं दिस इज द वॉच ही इज वेयरिंग। करंट मार्केट वैल्यू है ₹10,55,632। गाइस, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोलेक्स की कोई घड़ी की वर्थ आप उसकी एमआरपी से नहीं देख सकते, क्योंकि रोलेक्स आप एमआरपी पे खरीद ही नहीं सकते। अगर आप रोलेक्स के शोरूम जाओगे, एमआरपी का पैसा लेकर बोलोगे भाई दे दे, तो आपको बोलेगा। रोलेक्स डिसाइड करता है कौन उसकी घड़ी खरीदेगा, वो अपने कस्टमर को देखता परखता है, तभी अपनी एक्सक्लूसिविटी मेंटेन कर पाता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल विच रोलेक्स हैज क्रिएटेड। गाइस, नेक्स्ट बात करेंगे एक और डेट जस्ट रेफरेंस 126235 की। दिस इज फेमसली नोन एज द विंबलडन एडिशन। आप देख सकते हैं ही इज वेयरिंग दिस वॉच। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 1369649। नेक्स्ट बात करते हैं अब बेसिक रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल रेफरेंस 126000। आप देख सकते हैं वेरी क्लासिक, सिंपल, एलिगेंट वॉच। इसकी करंट मार्केट प्राइस है 1467727। ऑलरेडी हम लोग 46 लाख रुपीज पे आ चुके हैं गाइस, तो 20 में से बस 4 घड़ियां हुई। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं बहुत फेमस घड़ी की। दिस इज द रोलेक्स जीएमटी मास्टर 2 रेफरेंस 126710, फेमसली कॉल्ड द पेप्सी जीएमटी। ये आप देख सकते हैं इसने पहनी है। द करंट मार्केट प्राइस 1887185, 1887185। बहुत बढ़िया, 5 वॉचेस डाउन, 15 टू गो। नेक्स्ट गाइस, बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट फेमस रोलेक्सेस एवर, विच इज अ रोलेक्स सबमरीनर, आल्सो कॉल्ड द करमेट बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम। द करंट मार्केट प्राइस 239197। आप देख सकते हैं क्वारंटाइन में जब ये चिल कर रहा था तब उसने घड़ी पहनी थी एक Q&A के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस दिस वॉच। ये वॉच के बारे में आपको कितनी बार बताया, दिस इज द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल रेफरेंस 124300, आल्सो कॉल्ड एज द टिफनी ब्लू डायल वॉच। इसकी होमाज पे हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, यू ऑल रिमेंबर राइट। दिस लुक्स एक्जेक्टली लाइक दिस, सुपर कंफर्टेबल, सुपर क्लासी टू हैव। ये वॉच गाइस है बहुत सिंपल, बट बिकॉज ये बंद हो गई है, स्कैसिटी में रहती है, इसलिए इसकी प्राइस बहुत ज्यादा है। यू कैन गेट दिस फॉर 24,15,916 रुपीज। करंट मार्केट प्राइस जाकर चेक कर लेना। वी हैव क्रॉस ₹1 करोड़ गाइस एट दिस पॉइंट इन टाइम। नेक्स्ट गाइस, बात करेंगे रोलेक्स यॉट मास्टर की रेफरेंस 126655। करंट मार्केट प्राइस 28,58,151। आप देख सकते हैं इसने बर्थडे मनाया था तभी घड़ी पहनी थी। भाई के पास हर एक रोलेक्स है, कोई मॉडल नहीं है जो इस भाई के पास नहीं। नेक्स्ट गाइस, बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी वॉचेस एवर क्रिएटेड, विच इज द रोलेक्स जेटोना रेफरेंस 116500LN। इसका भी होमाज है हमारे पास गाइस, आई रियली एंजॉय वेयरिंग इट। एंड आप ये देख सकते हैं घर में जब भाई मैगजीन पढ़ता है सिंपल सी बालकनी में बैठ के, तब भी भाई ये घड़ी पहनता है। करंट मार्केट प्राइस 29,48,236। We are at 1.67 CR. Guys, next we have another Rolex Daytona in the white dial variant. Rest everything remaining the same, but because the white dial थोड़ा ज़्यादा rare है, इतनी easily available नहीं है, इसलिए इसकी current market price black price से थोड़ी ज़्यादा है, which is 39,26,151. Guys, we have crossed ₹2 crores. Next बात करते हैं Rolex Skydweller reference 326935 in this full Everose gold case variant. This is guys one of the most complicated watches which Rolex has ever made, and आप देख सकते हैं
विराट कोहली लव्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स 7,87,264। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं ऑडेमार्स पीगे के रॉयल ओक घड़ी की। आप देख सकते हैं विराट कोहली यहाँ पे पहना है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक लेजेंडरी वन ऑफ द फर्स्ट लग्जरी स्पोर्ट वॉचेस एवर एंड इट फीचर्स दिस लेजेंडरी ऑक्टागनल केस शेप मेड फेमस बाय दिस वॉच विच अगेन गॉट इम्प्लीमेंटेड इन द कैसियो। जो मैंने आपको कैसियो की वीडियो में रॉयल ओक की थोड़ी हिस्ट्री बताई थी वो आप रेफर कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 73,23,024। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एक बहुत फेमस डेटोना की विच इज अ रोलेक्स डेटोना रेफरेंस 116506। इसकी करंट मार्केट प्राइस है गाइस ₹1,20,36,048। ये फुल प्लैटिनम घड़ी है विद अ चॉकलेट बेजल एंड टिफनी ब्लू कलर शेड का जो डायल है। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं एक और रोलेक्स डेटोना की। दिस इज द रोलेक्स डेटोना रेफरेंस 116508-0013। करंट मार्केट प्राइस इज 1,22,2,422। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस रोलेक्स जे डेट रेफरेंस 228206 की। अगेन अ फुल प्लैटिनम वेरी क्लासिक वेरी स्टेल्थ वॉच एंड आप देख सकते हैं इतनी महंगी घड़ी तो विराट कोहली ने बहुत अच्छे ओकेजन पे पहनी थी। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं द मोस्ट फेमस लग्जरी वॉच इन द वर्ल्ड विच मोस्ट पीपल नो विच इज द पैटेक फिलिप नॉटलेस। दिस इज द रेफरेंस 5726। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द मोस्ट कॉमन नॉटलेस विच यू ऑल नो विच इज रेफरेंस 5711। एज अ मून फेज डे डेट मंथ इंडिकेटर पूरा कहानी हिसाब किताब है। आप देख सकते हैं विस्तारा की एयर होस्टेस इसको मौका मिला तो विराट भाई भी मतलब फोटो खिंचाने के लिए तो आगे हैं। ₹1,46,78,024। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं पैटेक फिलिप एक्विनॉट की। ये घड़ी स्पेशल इसलिए बिकॉज दिस इज द सिंगापुर एडिशन। ये सिंगापुर के एक बुटीक की एक्सक्लूसिव उन्हें रन निकाली थी विद दिस रेड स्ट्रैप। सो एडिंग द प्राइस विच इज 1,93,79,296। नाउ कम्स द हेवी हिटर द बेस्ट फॉर द लास्ट। ये सब तो चिल्लर घड़ी है 1,50,00,000 क्या है ये सब। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी स्पोर्ट वॉचेस इन द वर्ल्ड द रोलेक्स डेटोना रेनबो रेफरेंस 116595। करेंट मार्केट प्राइस इज 6,22,1,422। गाइज ये घड़ी इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि दुनिया में गिनती की 10-20 ही हैं। इट हैज दिस बेजल विथ कलर्ड डायमंड्स विच आर वेरी एक्सपेंसिव वेरी रेयर फुल रोज गोल्ड केस कंस्ट्रक्शन। विराट कोहली 2-3 बार इसको पहना हुआ है। ये घड़ी गाइज वर्ल्ड में बहुत कुछ लोगों के पास है एंड गाइज जब सारी घड़ियों का टोटल करते हो यू गेट 15,42,88,304। सो गाइज दीज वर टॉप 20 वॉचेज ऑफ विराट कोहली एंटायर वॉच कलेक्शन। बहुत मेहनत लगी मुझे इनको जमा करने में इकट्ठा करने में फोटोज निकालने में मॉडल निकालने में रेफरेंस नंबर निकालने में करंट मार्केट प्राइस करने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं अच्छी लगी तो दो बार डिसलाइक करना। चैनल सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया। बहुत वीडियोज आ चुके हैं बहुत आने वाले हैं। कमेंट्स में बताइए कि विराट कोहली के अलावा आपको किसका वॉच कलेक्शन देखना है। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। एंड गाइज ये वीडियो देख के अब ये मत सोचो कि अच्छा वॉच कलेक्शन होने के लिए नीड टू बी विराट कोहली। मैंने आपको इस चैनल पर कितनी बार बताया कि यू कैन बिल्ड योर वॉच कलेक्शन फ्रॉम वेरी अफोर्डेबल पीसेज। Buy a Casio F91W, but buy good classic watches and build your watch collection. अच्छी watches में invest कीजिए, classic timeless watches में invest कीजिए. Smart watch के कचरों से दूर रहिए. Thanks for watching. Take care. Stay safe.